सासाराम जिले से खबर है जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। बड़ी बात यह कि मरने वालों में 5 महिलाएं हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सभी लोग कैमूर जिले के सवार थाने के कुडारी गाँव के रहने वाले थे तथा बोधगया से पूजा पाठ कर लौट रहे थे। इसी दौरान शिवसागर के टेकारी से पहले पखनारी के पास शिवनागर थाना क्षेत्र में ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन लोगों की स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कंटेनर से जा टकराई, जिसमें 50 वर्षीय अरविंद शर्मा, उनकी पत्नी, पुत्र आदित्य कुमार, रिया कुमारी के अलावा 15 वर्षीय चांदनी कुमारी, 18 साल की तारा कुमारी और 35 वर्षीय सोनी देवी की मौत हो गई। घायल नंदन प्रियदर्शी, रितु शर्मा, संदेश्वर शर्मा, दिव्या कुमारी तथा उपेंद्र शर्मा को सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों की नाजुक स्थिति देखते हुए सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस शव को सासाराम के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुध गया से वही गाड़ी खड़ा था या कुछ था, उसी में गाड़ी खड़ा था कि जा रहा था उसी में। कितने लोग स्कूल थे आप लोग? 12। कहाँ जा रहे थे आप लोग? तिनवा खुला। कहाँ से बोलने वाले आप लोग? तिनवी खुला बुध गया। हम गए थे घूमने गए थे। यार कितने मौत हुई है? 7 लोग। सात की खिलाफ। आपका नाम क्या हुआ? सब एक ही परिवार के लोग? हाँ। ये कैसे मामला घटा है, क्या कुछ जानकारी है? ये तो हमको सूचना दिए तत्काल बमहूर के। अच्छा, रुपेश जी से कि टेकारी पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो जो है लड़ गई है कंटेनर में। हमने सूचना पाया, मैं तुरंत यहाँ से फास्ट निकला। वहाँ जाने के बाद देख रहा हूँ कि सीधे कंटेनर में स्कॉर्पियो घुस गई है। जो लोग मतलब भेजे में थे चिल्ला रहे थे, किसी तरह खींच खाँच के तोड़ के और उनको लेकर हॉस्पिटल भागे। कितने लोगों की मौत हो गई है? 7 लोग। 7 लोग स्पॉटेड हो गए हैं। कितने लोग भर्ती हैं? 5 भर्ती हैं, बाकी 7 जो है। कहाँ करने वाले हैं? ये बता रहे हैं कि हम नालंदा गया से आ रहे थे और जाना था इनको कुलारी भभुआ जो है, ये वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अभी लोग का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है? लोग इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है, उनका इलाज हो ट्रामा सेंटर और बाकी जो पटेल।